हे गाइस, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से जाना जाता है, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओके, और जिसमें हम जानने वाले हैं सीएफपीआई क्या होता है। और सीएफ पहले पीआई से जानने से पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वाई इक्वल टू, दे नहीं रखा होगा, निकालना होगा सीएफ प्लस पीआई। आपको बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द कम्प्लीट सोल्यूशन, जब बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द कम्प्लीट सोल्यूशन इन दिस केस यू विल फाइंड वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अभी हम जो बात करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन सी एफ यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देन बात करेंगे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई के बारे में। काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रीवियस नॉलेज आपको थोड़े बहुत होने चाहिए। प्रीवियस नॉलेज नहीं है फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक, हम बात करेंगे पहले सीएफ के बारे में। सीएफ क्या होता है, देखो वाइट से चला लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, जैसे कि वाइट से ही चला लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। जब पी आई निकालने के लिए बोलेगा आपको, तो यहाँ पे 0 होगा ही, मतलब इस केस में पी आई निकलेगा ही नहीं जब इक्वल टू 0 होगा। इसकी बात नहीं कर रहे पीए के बारे में, हम सिर्फ सीएफ की बात कर रहे हैं यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या करना है आपको, देखो सपोज इसे मल्टीप्लाई कर लो तो वाई वाई आ जाएगा यहाँ पे। तो सीएफ क्या कहता है, आप पहले इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करो और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसे चेंज करोगे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है, आपको जहाँ पे डी लिखा है वहाँ पे डी की जगह पे आपको एम से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यानी कि ये वाई मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, यानी कि सिंपल सी बात करो, डी की जगह पे आपको एम रिप्लेस करना है। यहाँ डी की पावर 5 लिखा है तो एम की पावर 5 लिख देंगे, डी की पावर 6 लिखा है तो एम की पावर 6 लिख देंगे, ऐसे समझो, ठीक है। और ये हो गया, जहाँ पे 3 लिखा है कॉन्स्टेंट तो वो कॉन्स्टेंट ही आएगा। इसे मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखूंगा एम स्क्वायर प्लस 5 एम प्लस 3, ठीक है। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, शॉर्ट में लिखेंगे ए। इतना समझ में आता है आपको, आगे बात है इसके थोड़ा और डेप्थ में चले जाते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे ना देखे, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा ज्यादा करके, यानी कि 5d की पावर 3 दे रखा हो, 6d स्क्वायर दे रखा हो, 8d दे रखा हो प्लस 7 y इक्वल टू 0 इस तरह से दे रखा होगा। तो क्या करेंगे फिर, इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही d की जगह पर आपको m रखना है। d है क्या, d है d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसे y को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा, dy आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस केस में आप निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आप कैसे निकालोगे, d की जगह पे m से रिप्लेस करोगे तो 5 m स्क्वायर, m का क्यूब क्योंकि 3 है ना, प्लस 6 m स्क्वायर प्लस 8 m प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपने एजन वैल्यू निकाला होगा आपने फर्स्ट ईयर में, एजन वैल्यू हमने बता रखा था आपको। एजन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ये क्यूब रूट में यानी कि 3 इसके रूट्स निकलेंगे। अब इसे हाथ ऐसे कैलकुलेट करके निकालोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर से करोगे तो ईजी से निकले, क्योंकि कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउ होता है ना। तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, रूट्स मतलब इसके कितने वैल्यू निकलेंगे, एम की वैल्यू 3 निकलेंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ इसके जो निकले हैं वो 2 निकले हैं, 3 निकले हैं, 5 निकले हैं। हो सकता है इसके 2 सेम भी आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह से भी आ सकते हैं। तीनों सेम आ जाए, जैसे कि तीनों सेम कैसे आ जाएगा, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये सब बन सकते हैं। अब चलते हैं सीएफ के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने कितने तरह के कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकलते हैं, ये आपको समझ में। कैलकुलेटर से हम निकाल लोगे। अब मेन चीज आता है, अभी हमने कुछ जो इस टॉपिक में है उसमें हमने डिस्कस कुछ किया ही नहीं, अब हम मानते हैं मेन चीज में। अब पढ़ने वाले हम सीएफ निकालेंगे, सीएफ के जो टाइप्स हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। देखो हो सकता है
जो अपने इक्वेशन बना है दे रखा है, जैसे कि 2d² + 5d + 6 = 0, जब अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, डी को रिप्लेस कर दिया हमने एम से, तो 2m² + 5m + 6। सपोज हमने मान लिया, इस लेट कर लिया, जो इसके जो अपने रूट्स निकाले, तो इसके रूट तो दो ही निकलेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, तीन लगा हो तो तीन तीन निकलते हैं। तो हमने मान लिया एम की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, 3। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है इसी अलग क्वेश्चन कुछ हो उसमें एम की वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं, ये हो सकता है। अब एक ने अपने ये भी पढ़ा होगा बी प्लस माइनस ऐसे करके होता है, b² - 4ac और डिवाइड में 2a होता है। इसमें ये भी लग सकता है, तो ये हम जिसमें इमेजिनरी टर्म भी निकल सकता है। तो इसके क्या क्या जो चांसेस हैं हो सकते हैं। अब ये क्यूब में भी जा सकता है, अभी क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, हम टाइप्स की बात कर रहे थे। अच्छा से गायब कर दो फिर, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है जो m की वैल्यू आई, ज्यादा ही छोटा हो गया, तो m की जो वैल्यू आई हमारे पास, अच्छा हाँ ठीक है, तो हो सकता है m की वैल्यू आपके पास आ जाए, दोनों सेम आ जाए, यानी कि दो दो आ जाए। नहीं, दोनों सेम के लिए पहले नहीं करते हैं, पहले हम करते हैं m की वैल्यू कर लेते, दो आ जाए 5 आ जाए। हम जो एक्यूलर इक्वेशन निकालेंगे वहां पे रूट्स जो आएंगे दो दो अलग लगा गए, दूसरा जो आए दोनों सेम आ जाए, सपोज 3 आ गया 3 आ गया। तीसरा हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया तो m की वैल्यू जो आ गई वो ऐसे बनता है -b + -b² - 4ac / 2a, तो ये भी नंबर तो यहाँ पे हो सकता है। सपोज -2 आ गया और प्लस माइनस करके यहाँ पे रूट्स में है, तो कुछ करके ऐसा करके मान लो 3 रूट्स में इमेजिनरी टर्म आ गया ऐसा कुछ करके, ठीक है, इस तरह से चीजें कुछ आ गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इतने रूट्स के ऊपर चांसेज बन सकते हैं। ये किसके लिए है, दो यानी कि इस इक्वेशन के लिए, जैसे कि 2x 2m² + 5m + 6, इस तरह के इक्वेशन जो रहेंगे दो ऑर्डर के लिए रहेंगे, तीन ऑर्डर के लिए तीन इक्वेशन बनेंगे और कुछ नया नहीं है। अब देखो सॉल्व करना कैसे है, CFPI निकलेगा कैसे। देखो इस केस में हम पहली बात करें इस केस की, जब दोनों रूट्स, ध्यान रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, जब डिफरेंट आए, दो वैल्यू दोनों में डिफरेंट आए, 2 आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो इस केस में अब जो निकालोगे CF को निकालोगे, C1 पहला कांस्टेंट कितना, 1 2 है कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो C1 E की पावर में जाएगा, E की पावर में हमेशा जाएगा, ठीक है इस केस में। और यहां पे कितना है, 2 है, तो 2x की x क्यों, क्योंकि d हमें पता है d/dx होता है, ये वाला x, ठीक है, प्लस C2 E की पावर कितना है 5 है, तो 5x। ये था इसका CF, इतना ही था, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, कोई तोप नहीं है। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा यह है दोनों रूट्स जो आए सेम आए, ठीक है, दोनों रूट्स जब सेम आएगा तो इस केस में जो CF आप निकालोगे तो C1 वही सेम ही आएगा। देखो e^3x + c2 e^3x, इसमें अलग क्या होगा, एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने बार ये रिपीट होगा, एक बार रिपीट किया, अब सपोज ये m की वैल्यू जैसे m³ 3 2m² + 5m + 6 = जब तीन रूट्स के लिए निकालते हैं तो m की वैल्यू सपोज सपोज मान लो 3 3 3 आ गए, तीन रूट्स आ गए सेम, तो फिर क्या करते हैं उस केस में, प्लस लगा देते हैं C3 और C3 लगा के हम e^3x तो आएगा ही, एक x से मल्टीप्लाई किए तो एक x और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x^2। ठीक है, एक बार मैं ये चीज को और समझा देता हूँ। देखो जब रूट्स रिपीट करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, e^ जो नंबर है वो नंबर आएगा ही, पर जितने टाइम्स वो रिपीट करेगा उसके अगले नंबर में हम x से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखो एक बार मल्टीप्लाई हो गया, एक बार और रिपीट हो जाता तो हम क्या करते हैं c3 e^3x * x² हो जाता है, एक बार और रिपीट, चार रूट्स आते तो c4
e की पावर 3x और इनटू में x की पावर 3, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे मेन चीज पे, ये थोड़ा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिक। अब आते हैं थर्ड पे, हमारा जो थर्ड है इस पे, थर्ड ये है। देखो थर्ड के लिए क्या है, सिंपल हमारा एक इसमें जो सी एफ निकलेगा वो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा होता है, e की पावर यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो उसका x यानी कि माइनस टू एक्स, और इसमें साइन या कॉस लिख लो, दोनों में से कोई लिख लो आप। इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइन कितना है अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री एक्स प्लस यहाँ पे फिर कॉस आ जाएगा, कॉस अंडर रूट थ्री एक्स, बस इतना ही आएगा। इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे आया है। देखो करना क्या है इस केस में, जब रूट्स इमेजिनरी टर्म आए, ये इमेजिनरी टर्म के लिए जब आई लगा हुआ, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या आता है हमारा सॉल्व करके, कुछ आता ही नहीं, जीरो प्लस प्लस माइनस और सिर्फ टू आया था ऐसे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टू एक्स लिखते, टू एक्स लिखते यहाँ पे सिर्फ जीरो आया था, यानी कि ये क्या आ जाता फिर साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स, बस ये आ जाता इसका सी एफ, ये था। ठीक है, अब मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, क्या क्या आपको करना है, कुछ ऐसा है। देखो रूट्स आई थिंक थोड़े से पेज चेंज कर लेते हैं, देखो एक बार आपको समझ में आ गया ना डिटेल में, ये कहाँ चला गया पेन, चलो कोई नहीं। तो हमने सपोज किया हमारे पास इक्वेशन, अरे पेन गायब हो गया इसमें तो, अच्छा देखो तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, हमारे पास हो सकता है पहले क्वेश्चन में रूट सेम आए, एम की वैल्यू टू 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 इस तरह से आए, तो हम इस केस में क्या निकालेंगे सी वन सी एफ निकालेंगे, इस केस में हम सी वन ई की पावर टू एक्स, एक बार रिपीट कर गया, दो बार रिपीट कर गया, दो बार मतलब एक दो तीन है, ऐसे मत देखो, मतलब एक रिपीट किया यहाँ पे रिपीट और दो ऐसे देखो, ठीक है सी टू लग गया ई की पावर टू एक्स प्लस इन टू एक्स लग जाएगा इसी में, और प्लस सी थ्री ई की पावर टू एक्स और इन टू में एक्स स्क्वायर। देखो इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार, एक तो ये हमारा था, दूसरा क्या था, यदि जो m की वैल्यू आए, सपोज m की वैल्यू कुछ है टू थ्री फाइव इस तरह से आए, तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं सी एफ निकालेंगे इस केस में, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर सी टू ई की पावर ये थ्री एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर फाइव एक्स, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये था ये। अब हो सकता है जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया, तो टू प्लस माइनस फाइव इमेजिनरी टर्म इसमें आया, तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपल सी एफ जब निकालेंगे हम, तो सी वन यहाँ पे पहले ई आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे नंबर होगा जीरो होगा तो जीरो, टू है तो टू एक्स, और ब्रैकेट में साइन लिख लो या कॉस लिख लो, यहाँ पे फाइव है तो फाइव एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स, ये था। ठीक है, तो सी एफ पी एफ बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर समझ में आपके आएंगे क्वेश्चन क्या। अब ये मान के चलो मैं यहां पे बताऊं, अब यदि क्वेश्चन लगाने बैठो ना, क्वेश्चन लगाने बैठो तो आप क्वेश्चन सारे लगा लोगे, इतना ये डिस्कशन हो चुका है, बट फिर भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, वरी करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन भी बताएंगे और अभी सोल्यूशन भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम सी एफ के कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर पी आई पे मूव करेंगे, फिर आगे जो है नॉर्मल फॉर्म वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इंडिपेंडेंट चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस हम करने वाले हैं। तो ये था सी एफ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, और क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया ना, उतना ही क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्राई करो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम आपको बताने वाले हैं। तो यही था हमारा कंप्लीट डिस्कशन सी एफ के बारे में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।